वेलकम स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल जोन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के मेथड हैं दो अपने सिलेबस में, उन पर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपने अपने चैनल जाखिड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल जोन मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन बेटा, a solution contains ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH आ जाए या मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ जाए या मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाए या मास परसेंटेज ऑफ कास्टिक सोडा आ जाए या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, मास की जगह वेट परसेंटेज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखना बेटा, आंसर वन बाई मास परसेंटेज ऑफ NaOH सोल्यूट है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट यानी NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200 बेटा, परसेंटेज तो आएगा ही आएगा बेटा। अब देखो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा इन 200 बेटा। फाइव हंड्रेड को 9 से हम डिवाइड करेंगे बेटा, 5 को 9 से डिवाइड करते हैं बेटा तो ये आता है 5 5 और 6 बेटा इंटू 100 55.6%। तो ये आएगा बेटा 55.6%। सही है बेटा, क्योंकि 500 है बेटा, इसको हम 9 से करें डिवाइड बेटे, 9 5 45 5, फिर बेटा 45, फिर 5 बेटे, उसके बाद बेटे कितना है 5 है बेटा, फिर कितना है बेटा 5 है बेटा 5। राउंडिंग ऑफ में बेटे ये यहाँ तक हम लेंगे बेटा तो ये 6 हो जाएगा बेटा। 55.55 लिखते तो रॉन्ग है बेटा, कैलकुलेशन का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये विशेष बात है जो ध्यान रखनी है बेटा। हेंस उसके बाद जैसे लिखना है कि हेंस या सो सो या देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ NaOH इज बेटा 55.6%। ये है बेटा, अगर ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है बेटा तो हाफ मार्क्स फॉर्मूले का होता है, हाफ मार्क्स आगे जो भी यूनिट लिख रहे हैं जैसे यहाँ परसेंटेज लिख रहे हैं हाफ उसका है बेटा, 1.5 मार्क्स कैलकुलेशन का होता है कंप्लीट कैलकुलेशन और हाफ मार्क्स हैंड्स लिखने का होता है, तो टोटल ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है जैसे बेटा।
तरह से और देखो बेटा, ए सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ अन्य ओएच इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखना बेटा, ऐसे भी आ सकता है बेटा 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ अन्य ओएच, सॉल्यूट का मास 50 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 40 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 90 ग्राम हो जाएगा बेटा। सेम बेटे, कोई फर्क नहीं है बेटा। नेक्स्ट बेटा, ए सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 40 ग्राम या 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या वाटर। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आंसर 3 बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है बेटा मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ NaCl है बेटा 5 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 25। सॉल्यूट का मास 20 है बेटा, सॉल्यूट का 5 है और सॉल्वेंट का 20 है बेटा, इनटू 100 बेटा। 5 × 5 = 5 और ये 20 बेटा, 20% बेटा। हेंस या देयरफॉर मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 20% बेटा, 20%। इसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, ग्लूकोज, यूरिया, इथाइलिन ग्लाइकोल, बेंजोइक एसिड, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन बेटा। इसी तरह से बेटा ए सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दे दिया बेटा, कोई बात नहीं बेटा। कैलकुलेट मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम बेटा, कोई फर्क नहीं है बेटा। अब अपनी तरफ से भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से बेटा ए सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूट, कोई भी एवटा सोल्यूट सब्सटेंस इन 18 मिलीलीटर ऑफ सोल्वेंट। सोल्वेंट बेटा, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो देखो बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और भाई परसेंटेज लिखना नहीं भूलिए बेटा, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 2 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है सॉल्यूट 2 ml, सॉल्वेंट 18, तो 20 हो गया बेटा इनटू 100। 10 और ये 10% आ गया बेटा, 10% बेटा। हेंस वॉल्यूम परसेंटेज V/V बोलते हैं बेटा ओ सॉल्यूट इज 10% इज 10%। इसी तरह से बेटा
इन सॉल्यूशन कंटेन 2 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इन 20 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सेम आंसर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसे बेटे एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ बोलते हैं। इट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर और सॉल्यूट का मास है वो ग्राम है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।